हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बात साफ बता दूंगा कि हमें लिटिल नाइटमेयर 3 कब देखने को मिलने वाली है और अब कब हम उसे खेल सकते हैं। मैं आपको ये सारी बातें तथ्यों के हिसाब से बता दूंगा, यानी कि फैक्ट के बिहाफ पर, ताकि आपको पता चल सके कि लिटिल नाइटमेयर 3 के साथ आखिर क्या हो रहा है भाई। अगर आपको पसंद है इस तरह का कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईजीएन के स्टेटमेंट के अनुसार लिटिल नाइटमेयर सीरीज के डेवलपर्स यानी कि टार्सस स्टूडियो के सीईओ एंड्रेस जॉनसन ने कहा था कि लिटिल नाइटमेयर 3 हमारी तरफ से आखिरी है, इस सीरीज की लास्ट गेम है, इसके बाद हम इस गेम को किसी भी तरह से कंटिन्यू नहीं करना चाहते, मन नहीं है उनका अगला चैप्टर बनाने का। और ये थी उनकी तरफ से एक लास्ट आईपी इस सीरीज की, और साथ में उन्होंने अपनी नई गेम की यानी कि नई आईपीओ की घोषणा भी की है। ये बात उन्होंने फरवरी 2021 में बोली थी, जिसके बाद मई आ चुका था यानी कि 2022 में उन्होंने एक न्यू आईपी का टीजर ट्विटर पर शेयर भी किया था, जिसके कैप्शन में उन्होंने वी हैव बीन बिजी, मतलब साफ है हम इस नई आईपी को बनाने में व्यस्त हैं। और अब बंडाई नामकुम एक ऐसे स्टूडियो को ढूंढ रहा है यानी कि तलाश में है जो लिटिल नाइटमेयर 3 को बना सके। भाई उसको पैसा चाहिए और उसकी एक फेमस सीरीज बन गई है, उसे तो बनवाना है, अगर टार्शन नहीं बनाएगा तो कोई और बनाएगा, ऐसा बोलता है। और वो स्टूडियो कौन सा है इस सीरीज के लिए वो बंडाई नामकुम को ढूंढना है और वो अभी तक ढूंढ ही रहा है। लेकिन इस दौरान कुछ र्यूमर निकल कर भी आए हैं जिसके हिसाब से लिटिल नाइटमेयर 3 पर काम प्लेडेड नाम के डेवलपर्स काम कर रहे हैं, जिन्होंने पहले से ही फेमस गेम बना रखी है, नाम काफी फेमस है उन गेमों का, शायद से आपने खेली भी हो, जैसे कि लिम्बो और इनसाइड, जो कि जबरदस्त गेम है और उनके ऊपर मैंने पहले से ही स्टोरी एक्सप्लेन के ऊपर वीडियो बना रखी है, जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। वाकई गेम प्ले आप देखोगे तो उसका गेम प्ले भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, स्टोरी तो है मिस्टीरियस। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, जाके जरूर देखना। और ये आर्टिकल हमें फैंडम की वेबसाइट पर मिलता है, जो कि एक फैन मेड है, जहाँ पर तो हमें लिटिल नाइटमेयर 3 की रिलीज डेट भी दिखाई गई है, 2024 से 2025 तक बता रखी है कि इस दौरान हमें मिल जाएगी, क्या पता ये बात सच भी हो। और प्लेडेड स्टूडियो इस गेम को अनरियल इंजन 5 पर बना रहे हैं, और अगर आप प्लेडेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो फ्रंट पेज पर ही आपको न्यू आईपी की झलक दिख जाएगी, जिस पर क्लिक करने से आपको उसके बारे में यानी कि उस गेम के बारे में पता चल जाएगा कि हम थर्ड पर्सन साइंस फिक्शन एडवेंचर गेम पर काम कर रहे हैं। और इस गेम को बनाने के लिए प्लेडेड स्टूडियो हायरिंग भी कर रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा होने वाला है और इस पर काम काफी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। ये मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि अभी तक कमिंग सून ही दिखा रहा है, पता नहीं इसका ट्रेलर हमें कब जाकर देखने को मिलेगा, लेकिन इनका पूरा फोकस अभी इस पर ही है और अभी तक हायरिंग ही चल रही है। और इनके नए प्रोजेक्ट को देखकर साफ साफ लिम्बो और इनसाइड की वाइब भी आ रही है, जिससे पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट इन दोनों गेम से ही सिमिलर होगा। और फैंडम का जो आर्टिकल है वो मुझे फेक लगता है ये सब देखने के बाद, और ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि उनकी बातों से तो लग रहा है कि वो लिटिल नाइटमेयर 3 पर किसी भी सूरत में काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लिम्बो और इनसाइड के यूनिवर्स से ही मिलती जुलती किसी दूसरी गेम पर काम कर रहे हैं, जो कि उनके द्वारा खुद की बनाई गई है। ये सब पता चलने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि लिटिल नाइटमेयर 3 का जो आर्टिकल है वो पूरी तरह से फेक है, और अगर प्लेडेड स्टूडियो लिटिल नाइटमेयर सीरीज को कंटिन्यू करेगा तो वो बहुत अच्छा ही बनाएगा, क्योंकि उससे पहले ही उन्होंने लिम्बो और इनसाइड जैसी सक्सेसफुल गेम बना रखी है, जो कि काफी बेहतरीन है। मैं तारीफ ऐसे ही नहीं कर रहा भाई साहब, अगर आपने वो गेम खेल रखी है तो आपको पता है वो क्या है, जो गेमर्स के बीच में काफी फेमस और मिस्ट्री से रहस्यों से भरपूर है। और दोस्तों, लिटिल नाइटमेयर 3 से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं उसको जरूर कवर करूंगा, भले ही शॉर्ट में या एक डेडिकेटेड वीडियो के जरिए, लेकिन आपको बताऊंगा जरूर, क्योंकि ये भी वो गेम है जिसे खेलने में काफी ज्यादा सुकून मिला था, चाहे 1 या 2 फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही गेम मजेदार हैं, आप कैसे भी टाइम पे खेलो मजा आता है। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि अभी कहीं भी कोई भी हलचल नहीं है,
लिटिल नाइटमेयर 3 को लेकर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें लिटिल नाइटमेयर 3 देखने को नहीं मिलेगी, आज नहीं तो कल, समय लगेगा मानता हूँ, लेकिन वो गेम हमें जरूर खेलने को मिलेगी, क्योंकि भाई चलती हुई दुकान कोई भी बंद करना नहीं चाहता, और ज्यादातर स्टूडियो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, गंवाने के लिए नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको आज की ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपके मतलब का कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।